तो भैया बड़े से बाद आज हमने क्रिकेट खेली, बहुत थक गए लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, तो शायद इसे कंटिन्यू करेंगे। बैटिंग कर ली, अब हमारी फील्डिंग है, फील्डिंग करते हैं। चलो भैया, बात कुछ ऐसी है कि मैं कुछ देर पहले यूनिवर्सिटी से वापस आया था, मुझे यूनिवर्सिटी में काम था, पैसे निकलवाने थे और उसके बाद मुझे पास लेना था क्योंकि कल यंग स्टैंडर्ड्स का कल रात को इवेंट है तो उसमें जाना था, सारे दोस्त जा रहे हैं। तो उसके बाद अब मैंने पास ले लिया, अब मैं वापस आया हूँ और अब मैं जाऊँगा दाढ़ी सेट करवाऊँगा क्योंकि आज मैं अफ्तारी के बाद में जाऊँगा सदर, क्योंकि मेरे घर वाले आए हुए हैं तो उनसे मिलने, थोड़ा काम था उनको कराची आने का तो उनसे मिलने, और उसके बाद फिर मैं शायद वहाँ से जाऊँगा सिंध आर्ट काउंसिल, कोई कंफर्म नहीं है लेकिन शायद जा सकता हूँ। और वहाँ पर एक्चुअली आज रात इवेंट है और अहमद मुगल सिंधी सिंगर है, वो आएगा और मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे कहा है कि तुम भी साथ चल लो, तो आज शायद मैं, कंफर्म नहीं है लेकिन जा सकता हूँ। अगर टाइम मिला घर वालों से मिलने के बाद मुझे तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा सिंध आर्ट काउंसिल, तो वो बात की बात है। लेकिन उससे पहले मुझे दाढ़ी सेट करवानी है और फिर नमाज़ पढ़ना है और अफ्तारी करनी है और उसके बाद फिर मुझे जाना है सदर, तो ये फ़िलहाल काम ये बाकी है। और कल मुझे क्रिकेट खेलने के बाद इतना जिस्म में दर्द हो रहा है कि मतलब मेरे बैक शोल्डर्स वगैरह बहुत दर्द हो रहे हैं और मेरी टांगे, क्योंकि 2 साल बाद फास्ट बॉलिंग वगैरह करवाई थी तो टांगे वगैरह बहुत दर्द कर रही हैं। तो अभी जाऊँगा दाढ़ी सेट कराऊँगा, फिर नमाज़ पढ़ूँगा और अफ्तारी करूँगा, फिर जाऊँगा सदर, तो ये काम अभी मुझे पहले करना है। और दूसरी बात ये बतानी थी कि गर्मियाँ स्टार्ट होनी है तो पंखा बंद करने की वजह से अब पसीना आएगा, गर्मियाँ वापस आ गई। तो अभी बात कुछ ऐसे कि मैं घर वालों से मिलके अब जा रहा हूँ अपने फ्लैट में वापस, और मैं आर्ट काउंसिल नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने पहले कहा था कि शायद जा सकूँ शायद ना जा पाऊँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्लैट वापस और वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए इस वक्त, तो मिलते हैं फिर घर पहुँच गए इंशाल्लाह, कोई बात करनी होगी तो घर पे पहुंच के करेंगे। हाँ तो भाई बात कुछ ऐसी है कि मैं वापस आ गया था फ्लैट पे, और आपको 2 बात बतानी थी। सबसे पहली बात ये कि कल जो कॉन्सर्ट होना था रात को यंग स्टैंडर्ड्स वाला, वो थोड़ा कैंसिल हो गया था तो वो प्रोग्राम कैंसिल। और दूसरी बात ये बतानी थी कि मैंने कल रात को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने फीडबैक मांगा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैं अपने ब्लॉग्स में चाहिए मुझे इम्प्रूव करने के लिए, जैसा कि उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, म्यूज़िक, एडिटिंग, वीडियोग्राफी और वे ऑफ टॉकिंग। तो काफ़ी मुझे जो ऑप्शन जो सेलेक्ट हुए थे वो ये हुए थे कि वे ऑफ टॉकिंग और एडिटिंग के भी, तो आई होप कि इंशाल्लाह मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूं और मेरे जो अपकमिंग ब्लॉग्स होंगे तो उनमें अपना वे ऑफ टॉकिंग, एडिटिंग और वीडियोग्राफी जो है ना, इसे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो इसी वजह से मैं आपसे फीडबैक मांगता हूँ कि ताकि आप मुझे फीडबैक दें और मैं अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और इंशाल्लाह अगले इम्प्रूव्ड व्लॉग में, तो फिर मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा।
एक मिनट,